हेलो एवरीवन, सी द अनसीन बाय पक्षिका पिक्चर्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं चटनी रेस्टोरेंट में, जो है जीरकपुर में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के जीरकपुर में। ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चटनी। जब आप लोग पटियाला चौक से दिल्ली की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मिलेगा और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंदर ही बाहर के सर्कल में आपको अवेलेबल मिलेगा चटनी हाउस, जहां पे बाहर पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है। तो आप बड़ी पार्किंग जो है यहां पे आपको मिल जाएगी। कुछ यहां की खास बातें आपके सामने हैं, जैसा यहां पे 12:30 से 4:30 बजे के बीच में आपको लंच टाइम मिल जाएगा और डिनर टाइम है 7 बजे से 11 बजे तक, और बुफे का टाइम मिल जाएगा। वेस्ट खाना ना करें, उसके लिए फाइन इन्होंने रखा हुआ है। और अगर आप पैकिंग करवाना चाहते हैं वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रेस्टोरेंट अंदर से कैसा है। बाहर इन्होंने लिखा है आई आओ चिल करें, तो देखते हैं कि अंदर कितनी चिलिंग यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले रेस्टोरेंट का फर्नीचर बहुत अच्छा है, टर्कोइज कलर के चेयर्स हैं जो बहुत आरामदायक हैं। बैठने के लिए नीचे तकरीबन 25 से 30 लोगों का स्पेस है और यहाँ पे ऊपर एक पार्टी प्लेस इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे बर्थडे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ करीबन 25 से 30 लोग बैठ सकते हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे बूफे लगा हुआ था, तो हमने सबसे पहले आप लोगों के लिए चेक किया कि यहाँ पे बूफे में आपको क्या क्या मिल जाएगा। आपके सामने यहाँ पे ट्रे में सैलेड है जहाँ पे ऑनियन मिल जाएगा, कुकुम्बर आपको मिल जाएगा, टमाटो मिल जाएंगे और सीजनेबल वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, ऑनियन सिरका मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ अचार की वैरायटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आप ट्राई कर सकते हैं। पापड़ आपके सामने है, कुछ रशियन सैलेड या अभी यहाँ पे जो काले छोले होते हैं चने, उनका सैलेड था, रायता आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डिश आपको खाने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्राइड राइस और मंचूरियन आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इन्होंने चाइनीज टच यहाँ पे देने की कोशिश की है एक बूफे में। नूडल्स भी कई बार यहाँ पे मिल जाते हैं, येलो दाल तड़का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जो चने होते हैं, वाइट छोले होते हैं, वो यहाँ पे इस दिन अवेलेबल थे जब हम यहाँ पे गए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको पनीर की एक डिश मिलेगी, साथ में मिक्स वेजिटेबल यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको 2-3 स्वीट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर की पोर्शन में जब चलते हैं तो यहाँ पे करीबन 25 से 30 लोगों की पार्टी के लिए एक जगह बनी हुई है, जहाँ पे आप पार्टी चाहें तो बुफे को भी बुक कर सकते हैं, जो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 550 रुपये के आसपास। और आप यहाँ पे चाहें तो अपनी तरफ से स्नैक्स वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्नैक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बर्थडे पार्टी के लिए इन्होंने छोटी सी जगह बनाई हुई है, अगर आप एनिवर्सरीज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एनिवर्सरीज के लिए भी एक बहुत बढ़िया स्पेस बना हुआ है। रोटी में आपको यहाँ पे नान, लच्छा पराठा, पदीना पराठा या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यहाँ पे ब्रेड्स की वैरायटी मिल जाएगी। तो ऑल ओवर एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है, प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, एक बार ही ट्राई करने लायक जगह डेफिनेटली है, तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। उम्मीद है ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।